शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर समाधि स्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो ने भी दी श्रद्धांजलि। लिया शहीद निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प, साझा किए अपने अनुभव। आज अमर शहीद निर्मल महतो की 73वीं जयंती है। इस मौके पर राज्य भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित निर्मल महतो के समाधि स्थल पर उन्हें नमन करने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो, ईचागढ़ विधायक सविता महतो सहित आम से लेकर खास का दिन भर आते रहे। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी बिष्टुपुर चमरिया गेस्ट हाउस से लेकर समाधि स्थल पर जुटते रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहीद निर्मल महतो की जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही, साथ ही उनके साथ बिताए समय को याद किया। उन्होंने स्वर्गीय निर्मल महतो को झारखंड आंदोलन का अग्रणी नायक बताया। साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रभु ईसा मसीह की जयंती पर उन्हें नमन किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वर्गीय निर्मल महतो को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महाजनी प्रथा उन्मूलन का सबसे बड़ा नायक बताया और उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बिष्टुपुर चमरिया गेस्ट हाउस के समीप स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके सपनों का झारखंड बनाने का प्रण लिया। उन्होंने बताया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ और निर्मल महतो ने अपनी शहादत दी, वह आज भी अधूरा है। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया। श्री महतो ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। आज दोनों महापुरुषों की जयंती के मौके पर पूरा राज्य उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। हाँ सर, बताएं, आज तेतुरी जयंती है, काफी सालों बाद आपके यहाँ। 25 दिसंबर वैसे पूरे दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वहीं देश के ऐसे महान लोगों का जन्मदिन है जिन लोगों ने अपने सामाजिक जीवन में पाथे देने का काम किया, और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ स्वर्गीय निर्मल महतो जी के समाधि पर, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। बहुत लंबे अरसे तक साथ में काम करने का मौका मिला और बहुत सारे ऐसे संघर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो हमेशा स्मरण में रहता है। उन दिनों में जब राजनीतिक चेतना का अभाव था, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना और मौलिक बातों को लेकर लोग कैसे आगे आए, इस दृष्टि से हमें काफी उनके साथ काम करने का मौका मिला। जहां उनका जन्मदिन आज है, वहीं आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है, जिन्होंने मुगलों के काल में, ब्रिटिश हुकूमत के काल में, शासनों के दौर में सांस्कृतिक विरासत टूटती हुई नजर आ रही थी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इतिहास के आईने में, जहाँ तक शिला और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों ने विश्व का मार्गदर्शन किया, पर कालांतर में मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में धूल धूसरित होते हुए दिखाई दिया। वैसे समय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक एक ईंट अपने हाथों से जोड़ते हुए एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आज देश के लाखों लाख विद्यार्थी वहां से निकलकर भारत को प्रज्वलित कर रहे हैं। शहीद निर्मल महतो जी की 73वीं जयंती हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, और ये शहीद निर्मल महतो की ये शहादत की धरती है, और निर्मल दा ने हम सभी लोगों को जीवन का एक विचार और आदर्श दिया है। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए महाजनी व्यवस्था में जो एक गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उसके विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाई, शोषण के विरुद्ध में आवाज़ उठाई, अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाई, और हम आज ऐसी पुण्य आत्मा को उनके आज जयंती पर याद कर रहे हैं, उनके आदर्श विचार को याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, और हम अपने आप को वीर शहीद निर्मल महतो जी का जयंती है, साथ साथ यीशु मसीह का भी जन्म जयंती है, और सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिनका संघर्ष और अंतिम खून के बूंद तक संघर्ष होता रहा, इन्हीं के बलिदान है कि आज झारखंड राज्य हम सभी को मिला है। लेकिन इनका सपना था कि झारखंड ऐसा बने कि कोई भी मानव दूसरे मानव का शोषण ना करे, भ्रष्टाचार हिंसा कसो दूर रहे, एक दूसरे का सहयोग करे। आज ये इनके अनुरूप झारखंड अभी तक नहीं बना, अभी सभी को जगना है और इनका सपना को साकार करना है, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है, और इनका जो परिकल्पना था, जो भावना है, इस सभी को साथ लेकर बृहद झारखंड के साथ साथ समृद्ध झारखंड के निर्माण का जो परिकल्पना था उनको पूरा करने के लिए हमें आगे आना है। हर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, हर गरीब दलित पिछड़े और भी जो समाज से पिछड़े हुए लोगों का उनका सहयोग करके सामाजिक एकता समरता बढ़ते हुए समृद्ध झारखंड के निर्माण इनका सपना था, अब इसको हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे, और इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष कर रही है, और आज हमें खुशी है कि जो हमारे भारत रत्न से सुशोभित किया गया हमारे अटल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है, इस काल के वो भी एक महापुरुष थे, उन्होंने उनका बहुत बड़ा अवदान रहा इस झारखंड निर्माण में। श्रद्धेय अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर उस समय संसद सदन में नहीं होते शायद राज्य का और विलंब होता, लेकिन उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और पूरा उसका झारखंड इन महान पुरुषों का हमेशा ऋणी रहेगा। भविष्य में इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम बेहतर राज बना सकते हैं, इसीलिए आज हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि सभी लोग
जाति धर्म से उठकर भ्रष्टाचार को समाप्त करके समृद्ध और बेहतर झारखंड निर्माण में हम सब लगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।